आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चौक सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है। कानून व्यवस्था ही पूरी चरमराई हुई है, यहाँ तक कि आज पुलिस और कानून की हनक खत्म है। केवल सपने देखने से सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से सरकार की अच्छे कामों के नीम कर। विपक्ष नहीं चाहता, ये बड़े दुख की बात है कि विपक्ष नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हाँ हाँ, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्ले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है मिलती मस्ती में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आजमगढ़ आ गए हैं हम, यानी कि वो इलाका जिसे आप अलग अलग तरीके से जानते होंगे, कभी शेरो शायरी की वजह से, कभी यहां पर आपने देखा कि इतनी गुंडागर्दी और बदमाशी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि 2017 के बाद से गुंडे बदमाश या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और योगी जी एक एक करके ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गुंडे बदमाश और क्रिमिनल्स जो हैं उनको उत्तर प्रदेश छोड़ना ही होगा। अब सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता से दिल्ली, जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और योगी जी की नीति, एक्शन, सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि 24 से पहले लग रहा है कि भैया सारे गुंडे बदमाशों का सफाया हो जाएगा। तो हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए जोर से एक बार। 100% होगा, हो जाएगा। अब ऑपरेशन कन्वेंशन इन्होंने चलाया है। अब देखिए इसमें क्या है कि 3 दिन में एक्शन होगा और 30 दिन में ट्रायल करने की कोशिश होगी। जल्दी से जल्दी जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल भेज देने की तैयारी चल रही है। और योगी जी ने ही अपने एक भाषण में कहा था कि मोदी जी से जब उनकी बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए आप सोचिए। तो योगी जी ने एक एक करके रास्ता अपनाया। देखिए बड़े बड़े माफिया जो है उत्तर प्रदेश के, वो पानी मांग रहे हैं या फिर जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन विरोधी जो बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके जो विरोधी दल हैं, वो सब कहीं ना कहीं टेंशन में भी हैं, ऐसा लग रहा है। अब है कि नहीं है तो नेता लोग खड़े हैं, इनसे पूछेंगे और आप लोग भी बोलिएगा। ये क्या, ये देखिए पुरानी पेंशन बहाल करो इसकी, अच्छा जानकारी पहले से मिल गई थी कि धरती पुत्र का कार्यक्रम होने वाला है। मिल गई थी, पहले से मिल गई थी। हाँ। और हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं, हमारा प्रश्न सत्ता पक्ष से है। हाँ। कि देश के 80 लाख कर्मचारी, हाँ, जो कि सरकार के कार्यशैली को जमीन पर परिणित करते हैं, हाँ, वो बिना पेंशन के है। हाँ। आप लोग सदन में आ जाते हैं, एक दिन के सांसद विधायक बन जाते हैं, आप अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर लेते हैं भाई साहब। ये नेताओं के लिए ठीक है कि विधायक बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद पेंशन मिलता रहता है। आप लोग बोलिएगा एक एक करके, जरा नेताओं से मिलवा देता हूं जो इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। ब्रजेश यादव जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, अरुण सिंह साधु जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, आशुतोष द्विवेदी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, शैलेंद्र कुमार जी हैं बीएसपी से, और तहला रशीद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, अमन श्रीवास्तव हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन जैसा कि पहले हम जनता की सुनते हैं, इसलिए जनता के पास जाते हैं। क्या नाम है जी? शशि प्रकाश। क्या लग रहा है कि ये गुंडे माफिया 24 से पहले साफ हो जाएंगे? नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब देखिए आगे क्या होने वाला है। डर लग रहा है अभी भी? नहीं है साहब, कि ये गुंडा माफियाओं का जो प्रदेश हुआ करता था, ये अब एकदम शांत प्रदेश हो जाएगा 24 तक? बिल्कुल लगता तो नहीं है सर, अभी जो है लगता नहीं है। तो कैसे होगा? ये सरकार ही करा सकती है, तभी हो सकता है। सरकार ही करा सकती है, कैसे होगा जी? नेताजी एकदम तौलिया उलिया ओढ़ के आए हैं, अब तो गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। मंडल चिकित्सालय आजमगढ़ का, ये आज है गुंडा माफियाओं का, ये देख लीजिए। यहाँ गुंडा माफिया चल रहे हैं अभी जी। अब भाई साहब क्या करें, पूर्वांचल का संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है क्या जी? है दुर्गेश सिंह राठौर, एकदम गुंडा माफिया खत्म हो गए। और जो भी बचा, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो ऊपर चले जाओ। और आपने सामने नजीर देखा है, सभी जात
कोई भी नहीं रही हो, जो माफिया है वो माफिया है, उत्तर प्रदेश में वो नहीं रह गया, तो ऊपर रहेगा या तो प्रदेश छोड़ देगा, प्रदेश छोड़ देगा भाई साहब। हाँ, सबूत के साथ आए, एकदम दिखा दिया आपने सबूत, टीवी पर दिख गया। माननीय योगी जी के 02 की सरकार में थाना रौना पार के अंतर्गत भदौरा ढाले पर यूपी अभी ऐसे ऐसे भदौरा ढाले पर गांव में अरे एकदम घुस गए। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये बच्चे लोग भी ताली बजाने लग गए। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा उसको गुंडा माफिया और क्रिमिनल पसंद होगा, है ना? नहीं पसंद होगा। और अगर जिसको पसंद है भाई साहब वो समझ ले कि 2024 में उसका मामला गड़बड़ होने वाला, ऐसा है क्या? देखिए पीआर, ये जो सरकार है ये पूरी पीआर पे है और सिर्फ दुष्प्रचार पे है। गोदी मीडिया, एक बड़ा वर्ग गोदी मीडिया का, वो सरकार के सब कुछ हरा हरा दिखा रहा है। पर जब आप जमीन पे उतरेंगे, आपने एक इंडिपेंडेंट नागरिक की आवाज सुनी, आपने लोगों की दबी भी आवाज सुनी, लोगों को डर है कि अगर सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे, लोगों को ही दबा देंगे कि माफिया गुंडों। एनसीआरबी का डेटा क्या बोल रहा है? एनसीआरबी का डेटा देखिए, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इस साल जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है, बाल बच्चों के खिलाफ अपराध में 32% की वृद्धि हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 16% की वृद्धि हुई है, ओवरऑल अपराध में 7% की वृद्धि हुई है। तो ये जो क्राइम का रिपोर्ट है सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है, मैं जरा बता देता हूँ कि 17 से लेकर अभी तक अपराध की घटनाएं जो है वो कम हो रही है, लेकिन आरोप आप पर लगा रहे हैं वो। देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुंडों और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो एक नजीर है। इससे पहले पब्लिक ही कहती थी कि गुंडे ही सरकार चला रहे हैं, अब सरकार योगी जी चला रहे हैं और गुंडे और माफिया जेल में हैं। तो गुंडे माफिया जेल में रहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब गुंडाई हो रहा है यहाँ पर। कोई गुंडाई नहीं हो रही है। अगर किसी को गुंडाई का शौक है और इस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग और तमाम वो ऐसे लोग जो यहाँ पे गुंडाई किया करते थे, अब उनसे पूछ लीजिए क्या वो सड़क पे आके गुंडाई करेंगे? हाँ भाई साहब, समाजवादी देखिए लाल टोपी लगा कर आए, जरा जोरदार ताली बजा दो भैया समाजवादी पार्टी के नेता के लिए। जोर चल रहा है आप लोगों का अभी भी कि नहीं? अतीक अहमद को मार देते हैं, मुख्तार अंसार को अगर सजा हो जाती है तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रजेश सिंह क्या है, साधु संत है? ब्रजभूषण शरण सिंह साधु संत है? धनंजय सिंह साधु संत है? जो माफिया सत्ता के साथ गलबैया किया हुआ है, वो माफिया सुख चैन की नींद सो रहा है? जो माफिया सत्ता के अगर संरक्षण में नहीं है या सत्ता का विरोध कर रहा है, उस माफिया के ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है। ये सत्ता संरक्षित माफियाओं का टीम है भारतीय जनता पार्टी। आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा प्रदेश में 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उस 65 माफियाओं में जो कुछ जाति विशेष के माफिया हैं, उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आप लोग जाति जाति क्यों करते रहते हैं? उधर मुख्तार अंसारी पर भी, अतीक अहमद पर भी, और दूसरी तरफ आपने देखा कि कैसे गाड़ी पलटी थी उत्तर प्रदेश में। देखिए ये सरकार बड़ी यूनिक सरकार है, बाकी सरकारों में कहीं जातिवाद होता था नहीं होता था, इस सरकार में अधिकार तो होता ही था, ऐसा कैसे कह सकते हैं? लेकिन इस सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति में जातिवाद तो होता ही है, लेकिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई में भी जातिवाद होता है, ये बड़ी विडंबना इस देश की। हाँ भाई साहब ऐसा ही चल रहा है क्या? देखिए सबसे पहली बात कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे कार्रवाई कराते हैं, और आप ये भाई साहब जो सामने खड़े हैं भारद्वाज जी, उन्होंने कहा रोज पैदा हो रहे हैं, तो किसी के पैदाइश पे रोक लगा देंगे क्या? किसी के पैदाइश पे रोक लगा देंगे, और पैदा होते किसी के माथे पे लिखा होता है क्या कि अपराधी बनेगा? सही बात है, पैदा होते तो नहीं लिखा रहता, लेकिन अपराधी दिखता है तो उसको अंदर करना चाहिए। अपराधी की परिभाषा क्या है? पहले एक ही घटना करते वो अपराधी हो गया, ये अगर परिभाषा है तब तो मुझे लगता है आधा उत्तर प्रदेश जो पूर्व में सरकार चलाए, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, 99% लोगों का घर गिरवा देना चाहिए। 99% लोगों, इनका भी नंबर आ जाएगा। मुझे लगता है आपके लोगों ने यही बताया कि हमारा कौन लोग, जनता है हमारी। हाँ अभी आप बता रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ लोग आए हैं कि नहीं आए? सारे लोग हैं, सारे लोग। नाथ जोगी जी जो अपराध मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, आप बताइए अपराध मुक्त कोर्ट के अंदर हो रहा है, जेल के अंदर हो रहा है, पुलिस विभाग के साथ हो रहा है, यही अपराध मुक्त? एक चीज बताइए कि अगर 3 दिन में एक्शन और 30 दिन में कन्विक्शन होगा तो आप लोगों को क्या दिखता है? एक अपराधी को अपराध से खत्म करने के लिए आदित्यनाथ जोगी अपराधियों को पैदा कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा लोगों को? अंधभक्तों को दिखना चाहिए। एक अपराध को खत्म, न्यायालय बना है इसके लिए, न्यायालय से आप उसको मुकदमा जो है
खत्म करवाइए तो न्यायालय से मुकदमा कैसे खत्म होगा। अब तो भाई सरकार ने फौज उतार दी है वकीलों की, पहले तो 20-20 साल तक चलता रहता था भैया, है ना, 20-20 साल तक चलता था। 60 मुकदमे मुख्यमंत्री के भी तो ऊपर हैं आप, वो अपने फैसले कर ले पहले, क्यों अपने मुकदमे खत्म करवा दिए। भाई साहब जवाब दीजिए, अभी ये जो कह रहे हैं जो बात, अब बताइए इनसे कि अतीक अहमद जो था, जिसके जिसकी केस जब हाई कोर्ट में गई जमानत के लिए, 10-10 न्यायाधीशों ने इसको जमानत इसकी केस लेने से इनकार कर दिया, 11वें जज ने पैसा लेकर के अपनी जान बचाने के लिए इसकी जमानत दी, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश उसको संरक्षण देते थे। अब आप लोग सोचें कि जिसके लिए न्यायालय जिसके लिए न्यायालय लाचार हो गया, सत्ताधीश लाचार हो गए, उसके लिए तो सिर्फ एक फंडा बचा है कि वो जैसे मार करता है, जैसे लोगों को मारता है, उसको वैसे मौत दी जाए। और इसलिए जो कुछ किया गया है अतीक अहमद के साथ, जो उसने बोया है वही उसने काटा है, और ऐसा होना चाहिए। जब ऐसे लोगों को न्यायालय भी संरक्षण नहीं देती है, न्यायालय भी संरक्षण दे रही है, सत्ताधीश संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोगों की ऐसी मौत होनी चाहिए। अहमद अपराधी थे, हम मानते, हम नहीं कह रहे कि वो अपराधी नहीं है, आप तो मानते हैं, आपके पड़ोस वाले भाई साहब मानते हैं कि नहीं। एक अतीक अहमद को मुख्तार अपराधी हैं, तो वो तीन कौन थे जो अतीक अहमद को गोली मारे, वो तीन लोग कौन थे? हाँ भाई साहब, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक और मुख्तार ही अपराधी हैं, और किसी का नाम आप क्यों नहीं गिनाते? आप लोगों को सिर्फ अतीक और मुख्तार ही क्यों याद है? आप याद कर रहे हैं, हम नहीं याद कर रहे हैं, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया, हम अपराध के खिलाफ हैं, हम सिलेक्टिव अपराध के खिलाफ हैं। ये जो आप कह रहे हैं अतीक और अपराधी, अतीक अपराधी है, मुख्तार अपराधी है, कुछ नाम इन्होंने भाई साहब ने गिनाए, आपको वो अपराधी नहीं लगते, ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं। आप महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात करते हैं और आप बचाते हैं बृजभूषण सिंह को, ये कौन सी रणनीति है, ये कौन सी राजनीति है? ब्रजभूषण शरण सिंह जी की जहां तक बात है, पहलवानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है, उनकी जांच चल रही है, और जो भी जांच में निकल के आएगा उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसमें क्या बुराई है? और अगर ये चाहते हैं अपराध पे जहां तक नियंत्रण की बात है, इसी यूपी में अपराधी गले में तख्ती लगा करके आए हैं कि भैया हमको गिरफ्तार कर लो, हम अपराधी हैं, हमको शरण दे दो, हमको जेल में रखो, ये है यूपी सरकार, ये कारण। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जनता जो यहाँ की है ना, जरा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, मुझे लगता है कि ये जनता चाहे कोई जात धर्म कोई भी कहीं से भी आता हो, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको देखना नहीं चाहती है। ऐसा है कि जब भी कोई आतंकवादी आतंक करता है तो ये लोग चिल्लाते हैं, समाजवादी बसपा कांग्रेस के लोग, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और जब वो मारा जाता है तो उसके जनाजे में फतिया पढ़ने के लिए तब उसका धर्म आ जाता है निकल करके, तब उसका धर्म। और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो सारे आतंकी एक ही धर्म से क्यों पैदा होते हैं, और केवल हिंदुस्तान में नहीं ऑल वर्ल्ड में, पूरा यूरोप कंट्री इनके आतंकवाद से जहाद से परेशान है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो आतंकवाद आतंकी केवल और केवल एक संप्रदाय से, एक मजहब से क्यों पैदा होते हैं? इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खाना हजम बिना हिंदू मुस्लिम किए हो ही नहीं सकता। ये एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे पर हिंदू मुस्लिम जरूर करेंगे। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी अमरीका में जाकर कह रहे हैं कि भारत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है, यही सबका प्रयास है। अमरीका की यात्रा करके आए प्रधानमंत्री महोदय, इजिप्ट में मस्जिद में जाते हैं पर हिंदुस्तान में किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे। आप अमेरिका में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हिंदुस्तान में आपने माइनॉरिटी का 40% बजट काट दिया इस साल, आपने सरकारी जो मदरसे हैं उनके 5,000 टीचरों की तनख्वाह ले ली। प्रधानमंत्री जी अगर मस्जिद में चले गए विदेश में तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है, और ये मुसलमानों को इकट्ठा करके उनको बताते हैं तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर काम किया है। अभी इन्होंने जो कहा है, जो भाई साहब बोल रहे थे, तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की लेखिका रही है, उसने अपने किताब में लिखा है कि जब वहाँ पे जब 8 अक्टूबर 2001 को सारे आतंकियों ने एक घर को घेर लिया, और जब वहाँ 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे, बलात्कार करके 14 वर्ष की और 6 वर्ष की लड़की को मारा गया बलात्कार करके 14 अपराधियों ने, और वो औरत, उसका जरा सेंस समझिए कि जब वो औरत ये बलात्कार कर रहे थे तो उसने कहा, उसका पड़ोसी था अब्दुल, और उसने कहा कि अब्दुल ये लड़की मर जाएगी, बारी बारी से करो उस औरत की आपको, और एक भी बुद्धिजीवी और एक भी सेकुलरिज्म का ये झंडा बरदार हिंदुस्तान में। लेकिन एक सेकंड रुकिए,
मिनट एक मिनट, लेकिन बात एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड होल्ड कीजिए, आराम से थोड़ा देर रखिए, बोलिए तो पानी वानी भी मंगवा दूंगा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान फिर आप ही लोग शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान करते क्यों हैं आप लोग? अपराधी अपराधी होते हैं, अपराधी अपराधी होते हैं। और एक सेकंड एक सवाल है, भारतीय जनता सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए। हाँ जवाब देता हूँ। मोदी जी ने कहा था 2022 तक 15 लाख सबको मिल गया, यहाँ पूछे किसी को 15 लाख मिला? कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक मिनट, कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाथ उठाकर पूछिए यहाँ नौजवान है किसी को सरकारी नौकरी मिली? इन्होंने कहा था 2022 तक हर हिंदुस्तानी को घर देंगे, किसके लिए लोगों को घर मिला? 2022 तक 14 में कहा था मोदी जी ने कि 2022 तक हिंदुस्तान के हर एक घर में बिजली पहुंच जाएगी। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब इन्होंने नॉमिनेशन किया तो उनके गांव में बिजली पहुंची। इन्होंने कहा था 2022 तक हर घर में टॉयलेट होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए सर, लेकिन ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उस पर आप लोगों को भी कोई संशय है, सवाल है? देखिए सबसे पहले तो विद्या जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कन्विक्शन की बात अभी सामने आई है, इस पे तो किसी को एतराज हो नहीं सकता, लेकिन बशर्ते ये इम्प्लीमेंट होगा तब ना। जज कहाँ है कचहरियों में जो कन्विक्शन का रेट 30 दिन में खत्म हो जाएगा? कहा तो बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री ने, ये बिल्कुल सही कह रहे थे भाई साहब हमारे बगल में है कि समाजवादी पार्टी के, कि ये बताइए कि और सारे लोग अपराधी नहीं है क्या? बाकी सारे लोग वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ गए? लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई भी जब आपका एक एजेंडा है कि आप अंदर ले आओ जिसको, जो आपके साथ है वो अपराधी नहीं है, और जो आपसे आपके साथ से अलग है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है। ये देखिए, मतलब जो आ जाए बीजेपी में वो गंगा नहा लेगा, ऐसा है क्या? एक कहावत हमारे भोज हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि संग पाए सुघरी और संग पाए उघरी, जिसका जैसा संग साथ होता है वैसा उसके ऊपर उसका विचार उसका भाव बदलने लगता है। तो हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। हमारे हिंदुत्व ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, और संसार की कोई ऐसी संस्कृति कोई ऐसा मजहब कोई संप्रदाय कोई रिलीजन नहीं है कि जहाँ वसुधैव कुटुंबकम का या सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वहाँ तो केवल एक किताब है, एक किताब है और एक केवल आदमी, एक केवल उनका जो है आका है। बकिया हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति रही है, सारे लोगों को सुखी करने की रहे। देखिए इधर से भी एक, क्या जी क्या क्या करते हैं आप? सर राजन यादव मेरा नाम है, मैं बैग लेके घूम रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सर ये सरकार की नीतियों की देन है कि मैं बैग लेके मैं घूम रहा हूँ। चार बार मैं सीटेट और टेट पास हूँ। खैर इनको डिग्री क्या बताऊँ, इनकी डिग्री है फर्जी है पहले से ही, इनके प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। इनको डिग्री मैं क्या बताऊँ, 2018 के बाद इनकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, 2019 से मैं बेरोजगार हुआ, मजबूरन फाइनेंस में जॉब करना पड़ रहा है, और ये धर्म के नाम पे अगर इनसे बात कर दी जाए रोजगार की तो ये सिर्फ क्या कहेंगे, हिंदू तो खतरे में। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बंधु एक चीज बताइए कि आप कहीं से आ रहे होंगे, काम करके आएंगे, बैग भर के पैसा भी ला रहे होंगे, और रास्ते में कोई छीनने वाला मिल जाएगा, तो ऐसी सरकार चाहिए या जो गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है ऐसी सरकार? अपना संरक्षण करने के लिए हम स्वयं सक्षम है सर, खुद ही कानून हम सक्षम है, लेकिन अब कानून बनाइए तो उस हिसाब से बनाइए ना, कानून को उस हिसाब से चलाइए, सिर्फ पर्सनली मत चलाइए ना, पर्सनली मत चलाइए। हाँ जी, 2 दिन से परीक्षा चल रही है वीडियो की, भाई साहब को पता नहीं क्योंकि फार्म भरे नहीं, पार्क में टहल रहे हैं, वो क्या परीक्षा देंगे, उनको क्या पता, उनको क्या पता? और डिग्री की बात कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि नौकरी का, इनके अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों को भर के टेट बेरोजगारों को आज तक आंदोलन चला, 2011 से लपड़ा, उनको क्या पता है, क्या बात करेंगे? आप अपराध और सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, मैं अपराध पे एक परिभाषा देना चाहता हूँ। जितने दल के लोग खड़े हैं, इनकी बहन बेटियां यहाँ से बनारस और लखनऊ जाती थी तो 15-15 बार लोग फोन करके पूछते थे बेटी कहाँ पहुंची है, आज वह बेटी बस में बैठ के आराम से पहुंच जाती है। ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो ये तो बात हो गई। क्योंकि मैं तो देखिए सिर्फ आजमगढ़ पहली बार आया हूँ, लेकिन दिल्ली में हमेशा शो करता हूँ, रोज शो करता हूँ, और उत्तर प्रदेश
देश के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आजमगढ़ आया हूँ। एक चीज को लेकर ये बात तो माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ के लोग कहते हैं कि चीजें बदली हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सब ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश? अच्छा चल रहा है। तो जो बुरा बुरा कह रहे हैं वो उसका क्या करें? ये बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। ठीक, तो ये लोग बुराई देख रहे हैं। वो एक जाकी होय भावना जैसा मुहूर्त देखी थी। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। और याज्ञवल्क्य ऋषि के शिष्य से शिष्य ने पूछा, गुरु जी चिराग तले अंधेरा क्यों है? तो गुरु जी ने कहा, बेटा इतना उजाला है, तुम अंधेरा ही खोज रहे हो। भाई साहब, हाँ, तो ये किसके लिए कह रहे हैं? ये हम आम सभी लोगों के लिए कह रहे हैं। सरकार अच्छी, जिनको अच्छा नहीं दिखता, सरकार अच्छी है, बढ़ाई करो यार। अरे मरवा तो दिया हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री ने अतीक को, उन्होंने इतना, अखिलेश जी ने मरवा दिया? अखिलेश जी ने, उन्होंने, ये तो हमको पता ही नहीं। उन्होंने हाउस में इतना खोदा योगी जी को कि अब योगी जी को मरवाना पड़ा। अरे योगी जी साढ़ है क्या कि उनको, रुक जाओ, योगी जी साढ़ है क्या उनको खोद दिए तो जो जाके सिंह था? नहीं, एक सेकंड रुकिए। देखिए मैं एक चीज आप लोगों से कह रहा हूँ, लाइव कार्यक्रम है, थोड़ा सा अपनी भाषा को संयमित रख, हाँ मुद्दे पर रहिए। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो या नहीं हो, हो कि नहीं हो? अपराध मुक्त हुआ है। और पुरानी पेंशन, हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश, हम ये मांग करते हैं सरकार से, सरकार के साथ रहेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करे। इसके लिए हम लोग हमेशा लड़ाई और फार वापिस चला रहे हैं हमेशा, और पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो। ठीक है, इधर देखिए पीछे भी लोग खड़े हैं, थोड़े आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है जी आपका? विपिन कुमार। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त होना चाहिए, बदमाश मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये सब जात धर्म देखकर कर रहे हैं। हम लोगों को युक्त भी होना चाहिए, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की इतनी समस्या है कि यूपीटेट सीटेट लाखों लाख बच्चे पास होकर खड़े हैं, पूरे प्रदेश में वही हाल है। आप क्या करते हैं? हम बीटीसी किए हुए हैं, 2017 बैच के हैं, हम सीटेट पास हैं, हम बाबा जी का समर्थन करते हैं, योगी महाराज जी का समर्थन करते हैं, और हम आजीवन पूरा वोट देंगे उनको। यादव हैं लेकिन कोई उससे दिक्कत नहीं। यादव होकर, अरे वो लाल टोपी वाले कहाँ जाएंगे? लाल टोपी वाले कहाँ जाएंगे? हमारी बात, रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, रोजगार उधर मिला, इधर से आपका वोट कटा। ऐसा है, देखिए मैं दो सवाल करूंगा, दो दो देखिए। सबसे पहला बे जो, अरे यादव जी भी जा रहे योगी जी के साथ, अब सोचिए एमवाई का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ। सवाल मत पूछिए, पहले जवाब दीजिए, एमवाई का क्या होगा? बेटी बचाओ। सवाल नहीं, जवाब देने के लिए बुलाया कि नहीं बुलाया बताइए? जवाब देने के लिए बुलाया ना सर, तो जवाब दीजिए, एमवाई का क्या होगा? वो यादव जी भी जा रहे हैं योगी जी के साथ। देखिए समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जो हम कहना चाह रहे हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि यही स्वामी चिन्मयानंद। फिर आप फिर से चले गए इधर, आप अपनी सहूलियत के एमवाई का क्या करेंगे? मुसलमान भी जा रहे हैं और यादव भी जा रहे हैं। अरे यार मैं जो सवाल, आप सवाल नहीं जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब फिर चलिए इसका एक गुना भाग कर लेंगे, लेकिन पहले जवाब दीजिए क्या करेंगे? यादव जी भी जा रहे हैं। आरएसएस के चौथी पीढ़ी का, आरएसएस के चौथी पीढ़ी, देखिए जवाब ही नहीं है इनके पास कि कभी आरएसएस पर जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। हाँ सर शांत हो जाओ, भैया सर शांत हो जाओ थोड़ा। हाँ राजनीति बहुत हो गया है, राजनीति बहुत हो गया, आप क्या करेंगे? राजनीति का मतलब होता है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी दही मीठी, इनका भी कमी है। अगर इनकी अपनी क्षमता होती तो दल बदलों को बुलाने की इनकी आवश्यकता नहीं होती। ये बेरोजगार का मुद्दा, समाज में भ्रष्टाचार का निवारण नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के यहाँ MLA है, समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है, इसी जिला पंचायत क्षेत्र की सारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल का नेता, चाहे भाजपा का, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, बोलने को तैयार नहीं है। नाला कब्जा हो गया है, सरकार की संपत्ति कब्जा हो गई है, आवाज उठाने वालों पर फटी। ठीक है एक सेकंड भाई साहब, ये सवाल आप सबके लिए। पहले तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता को आरोपी ठहरा दे, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए ये लोग भाजपा मानसिकता से ग्रसित हैं। देखिए, अरे किसी सवाल का जवाब है कि नहीं नेताजी, बताइए? बिल्कुल जवाब है। सबसे ज्यादा सामने कार्यालय है, यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे।
ये लोग देखे झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा, ये सब बात नहीं चलती है, पब्लिक झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाती रहती है। एक सेकंड बोलना चाहते थे, ये हम सबसे पहले कह रहे हैं, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं, आप डाटा उठा के देखिए, वो देते हैं 4%, आप उनसे पूछिए कब की शिक्षक भर्ती कितनी दिए हैं, कितने दिए हैं, और वीडियो का पेपर चल रहा था रद्द हुआ और उनके बाद। देखिए सरकार जो होती है वो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होती है, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है ये व्यवसायिक का के जैसा व्यवहार कर रही है। जो जो सरकारी कर्मचारी हैं, कोरोना काल में आपने देखा होगा, अब कोरोना काल के लिए दुनिया ताली बजा चुकी है, इतना भयानक टाइम था भाई साहब, उसका क्या करेंगे। हाँ जी देखिए, सबसे पहली बात यहाँ हम लोग खिलाफत झेलते हैं, क्योंकि ये लोग सवाल अपने विधायकों से